नमस्कार किसान साथियों, हेलो किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। तो किसान साथियों, हम जानेंगे कि ट्राइकोडर्मा हमारी फसल के लिए कितनी लाभदायक है और इसकी मल्टीप्लाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो किसान साथियों, सबसे हम पहले जान लेते हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है। तो किसान साथियों, हमारे वातावरण में बहुत से ऐसे फंगस पाए जाते हैं जिनमें से कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारी पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं और कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। तो किसान साथियों, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरम नामक एक फंगस है जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह फंगस हमारी जड़ों में लग जाता है जिसके कारण हमारे जो पौधे होते हैं वो सूखकर मर जाते हैं, जिसे हम उटका रोग के नाम से भी जानते हैं। तो किसान साथियों, कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक फंगस होते हैं, जिसे हम मित्र फंगस भी कह सकते हैं। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है जो हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक फंगस है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है जो मिट्टी में अपना फैलाव करता है और जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होता है उसे यह अपना भोजन बनाता है और यह मिट्टी में फैलता जाता है। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है जो हमारी फसलों के लिए नुकसानजनक फंगस होते हैं उसको यह अपने जाल में पूरी तरह से घेर लेता है और उसकी तंत्रिका तंतु पर असर डालकर यह पूरी तरह से उसे नष्ट कर देता है। तो किसान साथियों, अगर हम इसका इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं तो यह हमारी फसल में जो नुकसानदायक फंगस होते हैं उसको यह पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी फसल में लगने वाले बहुत सी फंगस को यह कंट्रोल कर देता है। साथ ही साथ यह हमारी फसल की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और जो हमारी मृदा होते हैं उसके गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस का हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले पानी में, दूसरी सड़ी हुई गोबर के खाद में। तो किसान साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 150 ट्रॉली गोबर का खाद है जिसमें ट्राइकोडर्मा का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो किसान साथियों, इसका मल्टीप्लाई हम अपने घर में छोटी मात्रा में कैसे कर सकते हैं? तो किसान साथियों, इसके मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर का खाद लेना है और उसमें चेक करना है कि इसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए, लगभग उसमें 50% नमी होना चाहिए। तो हम छूकर पता लगा सकते हैं कि उसमें पर्याप्त नमी है या नहीं। तो किसान साथियों, सड़ी हुई गोबर खाद लेने के बाद हमें ट्राइकोडर्मा वीडी का इसमें छिड़काव कर देना है। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा शुद्ध कल्चर का वीडी आपको दुकान में आसानी से मिल जाता है, बाज़ार में जो हम कृषि के सामान लेते हैं वहाँ यह आसानी से मिल जाता है। तो किसान साथियों, बाज़ार से आपको ले लेना है ट्राइकोडर्मा वीडी को, जो हमने सड़ी हुई गोबर का खाद लिया है उसमें इसको 125 ग्राम अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे ढक कर हमें सूखी जगह पर, सूखी और छाएदार जगह पर रख देना है। तो किसान साथियों, एक हफ्ते बाद हमें फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे फिर से ढक के हमें रख देना है। अगर इसमें नमी चली गई है तो हमें इसमें पानी का छिड़काव कर देना है। इस प्रकार से हम ट्राइकोडर्मा वीडी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह लगभग 28 दिनों में तैयार हो जाता है। तो किसान साथी, 28 दिनों में यह हम इसे खोल कर देखते हैं तो इसमें हरे रंग के फफूंद दिखाई देते हैं जो ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस होते हैं। तो किसान साथियों, यह पूरी तरह से मल्टीप्लाई होने के बाद हम इसका उपयोग अपने खेत में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो हमने 50 किलोग्राम में ट्राइकोडर्मा वीडी का मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको हम अपने एक एकड़ खेत में अच्छी से उपयोग में ला सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके उपयोग करने से पहले हमें ध्यान देना है कि जो हम खेत में इसका उपयोग कर रहे हैं उसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए। तो किसान साथियों, इसका उपयोग हम सभी प्रकार के फसलों में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसका उपयोग हमें अपनी खेत में फसल बुआई के 7 दिन पहले करनी है जिसमें पर्याप्त नमी होना चाहिए। तो किसान साथियों, इसका उपयोग हमें फसल बुआई के 7 दिन पहले अपने खेतों में इसका छिड़काव कर देना है
तो किसान साथियों, अगर हम अपने खेत में छिड़काव करते हैं तो यह हमारी खेत में अच्छा आसानी से यह पूरी तरह से फैल जाता है। किसान साथियों, जब हम अपनी फसल की रोपाई करते हैं तो यह उनकी जड़ों में एक जाल बना लेता है जो सुरक्षा कवच की तरह यह काम करता है। तो किसान साथियों, इसका उपयोग हम अपनी फसल में फसल बुआई के 7 दिन पहले कर सकते हैं। और किसान साथियों, यह हमारी जो फसल होती है उसमें फसल में लगने वाले फंगस जैसे कलर रोट, जड़ गलन, आद्र पतन, उकटा रोग, यह बहुत सी फंगस को यह अच्छी तरह से कंट्रोल कर देता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से यह हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो किसान साथियों, इसका उपयोग हम नर्सरी में करते हैं तो जो हमारी नर्सरी के पौधे में डंपिंग की समस्या आती है उसको भी यह अच्छी तरह से कंट्रोल करती हैं। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस वीडी का हम उपयोग करते हैं, अगर किसी भी प्रकार में करते हैं जैसे तरल भाव में, सड़ी हुई गोबर के खाद में या स्प्रे द्वारा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का फंगीसाइड का मिक्स करके इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे बाविस्टीन, थायराम, अन्य रासायनिक फंगीसाइड हैं उसको हमें इसमें मिलाकर मिक्स करके कभी भी उपयोग में नहीं करना है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हम ट्राइकोडर्मा वीडी का अपने घर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका उपयोग हम अपने खेत में कर सकते हैं और हमारी जो फसल में फफूंद जनित रोग होते हैं उस समस्या से अपने फसलों को बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, आपने एक कहावतें तो सुनी होगी, लोहे लोहे को काटता है, उसी प्रकार किसान साथियों, ये जो ट्राइकोडर्मा वीडी है वह मित्र फफूंद है। तो यह फफूंद जो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक फफूंद है उसको यह नष्ट कर देता है, मतलब उसका शिकार करता है और वह यह अपना भोजन बना लेता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइकोराइजा के बारे में, इसका मल्टीप्लाई हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।